फाइनल मुकाबले में हारा पाकिस्तान, तो शोएब अख्तर का टूटा दिल। फिर मोहम्मद शमी ने ऐसे दिया करारा जवाब कि पाकिस्तानियों को लग गई मिर्ची। इंग्लैंड T20 क्रिकेट का नया चैंपियन बन गया है, उसने पाकिस्तान को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया। मेलबर्न में पाकिस्तान का सपना टूटा तो कई रिएक्शन सामने आए। इसी बीच सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के पेसर मोहम्मद शमी का एक ट्वीट वायरल हो गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानियों ने जो किया वो आज पूरी दुनिया देख रही है। दरअसल इंग्लैंड ने पाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन बनने के सपने को तोड़ दिया। कल मेलबर्न में हुए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत दर्ज की और T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया। फाइनल के नतीजे के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का रिएक्शन भी आया, जो सोशल मीडिया पर छाया रहा। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद टूटे हुए दिल की इमोजी ट्वीट की, तो उस पर भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने जवाब दिया जो वायरल हो गया। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये बहस शुरू कहां से हुई। बता दें कि वर्ल्ड कप के दौरान शोएब अख्तर लगातार टीम इंडिया की बुराई कर रहे थे और सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे थे। फाइनल मुकाबले से पहले ही शोएब अख्तर ने टीम इंडिया को ललकारा और कहा, हम तो पहुंच गए फाइनल में, अब तुम्हारी बारी। लेकिन अब जब पाकिस्तान की फाइनल में हार हुई, तब मोहम्मद शमी ने भी उन पर इस तरह का तंज कसा जो वायरल हो गया। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत शोएब अख्तर के एक ट्वीट से हुई। पाकिस्तान की हार के बाद भारी मन से उन्होंने एक टूटा हुआ दिल का इमोजी ट्वीट किया, जिसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शोएब अख्तर की मौज ले ली। शमी ने अख्तर को ट्वीट कर लिखा, सॉरी भाई, इसे ही कर्मा कहते हैं। इस पोस्ट पर अन्य भारतीय भी शोएब अख्तर को ट्रोल करने लगे, जिसके बाद शाहिद अफरीदी की पूरे एपिसोड में एंट्री हुई। पाकिस्तानी मीडिया में शमी का यह ट्वीट वायरल होने लगा। समा टीवी पर टीम की हार के बाद जारी डिस्कशन के दौरान ये ट्वीट दिखाया गया। एंकर के एक सवाल पर शाहिद अफरीदी ने चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया, हम लोग जो क्रिकेटर्स हैं, हम खेल के एम्बेसडर हैं, रोल मॉडल्स हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये सब खत्म होना चाहिए। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों के बीच नफरत फैले। अगर हम ही ऐसा करेंगे तो आम आदमी से क्या उम्मीद रखेंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तानी जनता ने इसके बाद किस तरह से मोहम्मद शमी को अपशब्द बोलने शुरू किए वो आपको जरा देख लेने चाहिए। कई ट्वीट्स तो इसमें ऐसे हैं जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। मोहम्मद हक लिखते हैं, इसीलिए तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम अनपढ़ हो। इसके अलावा भी कई ऐसे ट्वीट हैं जिनमें मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी को लेकर अपशब्द लिखे गए हैं जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। तो इस तरह से पाकिस्तानी जनता किस तरह से ट्विटर पर ओछी हरकत कर रही है आपने देख लिया होगा। लेकिन अगर आपको किसी की बात अच्छी न लगे तो उसके शब्दों की आलोचना करें। व्यक्तिगत हमले करना आखिर कहां तक जायज है। खैर, अब तो बस यही कहा जा सकता है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। और देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।